Hello friends, how are you? Today we are going to do a next question of rank of matrix. कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था इसका, आज हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का. ओके, सपोज कल हम लोगों ने क्या देखा था कि इधर जो हमने बताया था प्रिंसिपल एलिमेंट जो होना चाहिए वन होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन दिया जिसमें वन नहीं है, बट इसके बगल वाले मतलब ये क्या हो गई C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये R1, R2, R3. ओके, मतलब ऑर्डर क्या है इसका, तीन रो हैं, चार कॉलम, 3x4 का ऑर्डर है. ओके, अब हमें इधर वन बनाना है. मतलब अगर C2 वाली, अगर C2 को हम C1 से रिप्लेस कर दें, ओके, मतलब C2 में वन है इधर, अगर C2 को C1 से रिप्लेस कर दें तो वन आ जाएगा. देखो C1 को C2 को से रिप्लेस कर दिया, अब देखना कैसे, 101, मतलब C2 के सारे एलिमेंट्स C1 की जगह आ जाएंगे और C1 के सारे एलिमेंट्स C2 की जगह आ जाएंगे. ओके, ये 2, 2, 3, -2, 6, 1. देखो हमने क्या बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स आप इमेजिन कर लीजिए. ऐसे आपने डायगोनल एलिमेंट जो है उनको देख लिया कि 1, 4, 3 इधर डायगोनल एलिमेंट्स हैं. ओके, अब डायगोनल एलिमेंट्स के जो हैं उनके प्रीसीडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, मान लो 0, 1, 1 के नीचे हैं, तो 0, 1 को आपको 0, 0 बनाना है वो 1 की सहायता से. अब इधर 2 को 0 बनाना है आपको 4 की सहायता से. अब देखो कैसे बनाएं, इधर तो 0 है तो रो R2 में तो हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है क्योंकि इधर 0 ही है. अब R3 में 0 बनाना है तो R3 में 1 में क्या ऐसा माइनस करें या क्या ऑपरेशन लगाएं जो 1 आ जाए, तो R3 में R3 माइनस R1 कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, तो R3 में R3 माइनस R1. ओके, देखो करते हैं, 1, 0, 2, -2, 0, 4, 2, 6, 0. अब सारे एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगेगा ना, तो 2 -0, 2, 3 -2, 1, 1 माइनस जब करोगे तो हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2, 3. ओके, अब देखो, अब इधर को तो 0 बना लिया इसके, अब ये भी डायगोनल एलिमेंट्स था, इसके नीचे भी 0 बनाना है. अब क्या करें, 4 में 2 में ऐसा क्या करें इस R2 R3 की सहायता लेके जो इधर 0 बन जाए, तो देखना R3 में R3 2 है और इधर R4 क्या है, सॉरी R2 क्या है, 4. तो 4 में मतलब 2 में ऐसा क्या करें जो 0 हो जाए, तो 2 R3 - R2 कर सकते हैं, क्योंकि जब इधर 4 हो जाए ना और 4 - 4 कर दें तो 4 इधर कैसे होगा, जब 2 R3 कर दें तो 2 × 2, 4, माइनस का 4, 0 हो जाएगा. अब देखो करते हैं, 1, 0, 2, -2, 0, 4, 2, 6, 0, 2, R3 - R2, 2 × 2, 4 - 4, 0, और 1 माइनस, अब इधर देखना, इधर 2 R3, 2 - 2, 0, और 3 × 2, 6, 6 - 6, 0. मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2. तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, सपोज देयर इज ए मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, 2. और नलिनिटी क्या होगी, 1. क्यों नलिनिटी 1, क्यों, क्योंकि इसकी एक रो जो है वो 0 है. ओके, गॉट माय पॉइंट. अब कल हम लोग अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख गए. अब कल हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स कॉनिकल फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म से निकालेंगे, फिर एक्लन फॉर्म. इसके बाद एक टॉपिक और है जो इसके पहले मुझे पढ़ाना चाहिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. ओके, वो भी कवर करेंगे. आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे.